मौत से शादी। पूजा की शादी अमर नाम के लड़के के साथ हुई थी और आज उसकी शादी की पहली रात थी। शादी की रस्मों के दौरान पूजा को अमर का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। पहली रात होने की वजह से पूजा की सास मालती और उसकी ननद ज्योति ने उसे अमर के कमरे में भेज दिया। पूजा के ससुराल में उसके पति अमर के अलावा उसकी सास और ननद ही थे, बाकी घर में कोई आदमी नहीं था। जैसे ही पूजा अपने कमरे के अंदर पहुंची, उसने देखा कि कमरे में घनघोर अंधेरा था। पूजा अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे में किसी के भारी सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि खूंखार जानवर था। कौन है, कौन है वहाँ? अमर आप है ना? देखिए मजाक मत करिए, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन आप कहाँ हैं? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और कमरे में लाइट का स्विच कहाँ पर है? प्लीज लाइट ऑन कर दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। अमर की बातें सुनकर पूजा घबरा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ मालती और ज्योति कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर के अंदर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि कमरे के अंदर से पूजा के भयानक तरीके से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजा खोलिए मम्मी जी, दरवाजा खोलिए, ज्योति दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ज्योति और मालती कमरे का दरवाजा नहीं खोलते। पूजा के चीखने की आवाजों से पूरा घर दहशत से भर गया था। पूरी रात इसी तरह बीत गई। अगली सुबह जब पूजा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे देर रात को कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और अमर कहाँ चले गए? इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। इसके बाद पूजा अपने कमरे के बाथरूम के अंदर जाती है, लेकिन वहां पर बाथटब को खून से लबालब भरा हुआ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बुरी तरह से डरी हुई पूजा अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? वहां बाथरूम के अंदर बाथटब में खून भरा हुआ है, पूरी तरह खून से लबालब है वो। आखिर क्या चल रहा है? कल रात को भी मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। अरे बहू, तुमने अब भी कोई सपना देखा होगा, बाथटब में भला खून कहां से आएगा? चलो मैं चलकर देखती हूँ। मम्मी जी, अमर, अमर कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है, रात को भी कमरे में लाइट नहीं थी तो मैं अमर से ठीक से मिल भी नहीं पाई। भाभी, भैया तो सुबह उठकर ही अपने काम पर चले गए, उन्हें जल्दी सुबह उठने की आदत है, और वो दुकान पर भी जल्दी ही चले जाते हैं। तुम मेरे साथ अपने कमरे में चलो, मैं भी तो देखो जरा तुम क्या देखकर डर रही हो इतना। मालती और पूजा दोनों ही कमरे के अंदर जाते हैं। पूजा जैसे ही बाथरूम के अंदर पहुंचती है, वो देखती है कि उस बाथ टब के अंदर खून नहीं था, लेकिन एक आदमी का कंकाल वहां पर पड़ा हुआ था। ये देखते ही पूजा कांपने लगती है और अपने हाथ से इशारा करते हुए अपनी सास को उस तरफ दिखाती है। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों कांप रही हो? ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? मम्मी जी, वो सामने उस बाथटब में कंकाल। ये कंकाल किसका है मम्मी जी? यहाँ पर क्या चल रहा है बताइए मुझे। कंकाल? किसका कंकाल? कुछ भी बोले जा रही हो बहू, बाथटब खाली है, उसमें तो पानी भी नहीं है। ज्योति तुम बताओ, क्या तुम्हें उस बाथटब के अंदर पड़ा हुआ कंकाल नजर नहीं आ रहा है? भाभी आप ये कैसी अपशकुन वाली बातें किए जा रही हैं? भला यहाँ किसका कंकाल आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं आपकी मानसिक स्थिति ठीक है भी या नहीं। मालती और ज्योति दोनों ही पूजा को समझा देते हैं। घबराई हुई पूजा शादी के बाद रसोई में पहली बार खाना बनाने के लिए आती है। दोपहर का वक्त था, कमरे के अंदर बनी हुई एक बड़ी सी खिड़की के बाहर
ठीक सामने एक बड़ा सा गार्डन था। पूजा रसोई में खाना बना रही थी तभी उसकी नजर अचानक से कमरे की खिड़की पर गई जहां पर उसे अमर का चेहरा नजर आया। अमर, अमर आप है क्या? कौन है वहां पर? क्या हुआ भाभी, आप किसको आवाज दे रही हैं? और भैया इस वक्त घर नहीं आते, वो देर रात को घर आएंगे। पर मैंने अभी अभी रसोई की खिड़की पर किसी को झांकते हुए देखा था, मुझे लगा जैसे अमर वहां पर थे। अरे भाभी, मुझे तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आती। अमर भैया यहाँ पर हो ही नहीं सकते, वो तो गए। इतना कहकर ज्योति वहां से चली जाती है, लेकिन तभी पूजा को अपने पूरे शरीर पर नीले नीले रंग के निशान नजर आने लगते हैं, जैसे उसके शरीर को किसी ने चाबुक से बुरी तरह पीटा हो। देखते ही देखते पूजा को अपने शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। तभी उसे याद आने लगता है कि किस तरह रात को उसके कमरे में किसी ने उस पर हमला किया था। पूजा दर्द से चीखने लगती है। क्या हुआ बहू? अरे क्या हुआ, इस तरह क्यों चीख रही हो? मम्मी जी देखिए ना, मेरे शरीर पर कितने घाव, कितने निशान है, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। चलिए भाभी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, आपके शरीर पर कोई निशान नहीं है, लेकिन हम कहेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। चलिए आप डॉक्टर से ही चलकर पूछ लीजिए। पूजा अपनी नाना ज्योति के साथ डॉक्टर के पास जाती है। आपकी बॉडी पर कोई निशान नहीं है, कोई चोट नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है? देख लिया भाभी, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी। अगले दिन रात के वक्त पूजा अपने कमरे में अकेली थी। उस घर के पिछले हिस्से में बने आंगन से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई भयानक आवाज में कुछ कह रहा हो, लेकिन कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। इन आवाजों को सुनकर पूजा डर से कांपने लगी। वो आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी। मुझे वापस आना है, वापस आना है मुझे। अब मैं उसके शरीर में रहकर वापस आऊंगा। तभी अचानक पूजा को अपने शरीर में एक जोरदार झटका महसूस होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती जाती है, उसकी चाल मर्दानी होती जाती है और आवाज एकदम भारी। वो अपने कमरे से बाहर आती है। आंगन में ज्योति और मालती आग जलाकर बैठे थे, चारों तरफ सिंदूर फैला पड़ा था। मालती और ज्योति ने काले कपड़े पहने थे। उस आग के पास ही एक कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही पूजा वहां पहुंची, मालती उसे देखकर खुश हो गई। मैं जानती थी तू जरूर आएगा, मेरा बेटा वापस आ गया। भैया आप आ गए, मुझे माँ को कब से आपका इंतजार था। लेकिन तभी पूजा जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। ज्योति और मालती जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगते हैं, लेकिन अचानक से पूजा होश में आ जाती है और वहां का नजारा देखकर घबरा जाती है। ये सब क्या है मम्मी जी, और मुझे क्या हुआ था? अमर, अमर कहाँ है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, उसे वापस आना होगा। क्या क्या कह रही हैं आप, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मम्मी इस लड़की की बात मत सुनो, भैया को वापस लाने का एक ही तरीका है, हमें इस लड़की को मारना होगा। हम इसे मारेंगे तभी अमर भैया वापस आएंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों मुझे मारना चाहते हैं आप लोग, और अमर को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कोई सवाल जवाब नहीं, अब बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। पूजा जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करती है, मालती झपटकर उस पर हमला कर देती है और उसे चाकू मार देती है। पूजा गिर जाती है, उसके गर्दन से खून बहने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आता है। ये क्या किया आपने, इसे क्यों मार दिया? तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। चले जाओ वरना तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। तुम दोनों को समझना होगा, अमर अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। मैं ही पागल था जो अमर बनकर पूजा से शादी की और उसकी ऐसी हालत हुई।
मुझे तुम दोनों का साथ नहीं देना चाहिए था। मुझे लगा अमर मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो आया था, वापस आया था वो इस लड़की के शरीर में, लेकिन फिर चला गया। मेरा बेटा वापस आना चाहता है और तांत्रिक ने कहा था इसके लिए उसे किसी का शरीर चाहिए, किसी शादीशुदा लड़की का। इसीलिए तो माँ ने तुम्हें अमर बनाकर पूजा की शादी उससे करवाई थी, लेकिन इस पूजा ने भाई की आत्मा को अपने अंदर नहीं रहने दिया। तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। मुझे पूजा को बचाना होगा। तुम दोनों की बातों में आकर मैंने उसके साथ गलत किया है। ज्योति और मालती अमर के दोस्त को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी भी तरह पूजा को बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है। पूजा के होश में आने के बाद, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। लेकिन अमर आप तो जिंदा है, फिर आपकी माँ और ज्योति ने क्यों कहा कि आप मर चुके हैं? मैं अमर नहीं, उसका दोस्त कौशल हूँ। अमर की 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। मालती और ज्योति उसकी मौत का सदमा नहीं सह पाए। उनको लगता है कि अमर वापस आ जाएगा, इसीलिए उन्हीं ने उसके कंकाल को संभाल कर रखा और काला जादू करने लगे। मुझे माफ कर दो। कौशल पूजा को अपने घर ले जाता है